सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को 40 साल की उम्र में निधन हो गया। वो टीवी के जाने माने अभिनेता थे। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। उनके यूं अचानक चले जाने के बाद फैंस और उनके करीबियों को झटका लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके चाहने वालों ने नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दी। हर कोई उनके जाने से मायूस दिखा। अंतिम संस्कार में सिद्धार्थ की माँ, बहनें, बहनोई और चचेरे भाई शामिल रहे। परिजन के अलावा शहनाज गिल और उनके भाई जानू कुमार सानू, पारस छाबड़ा, राहुल महाजन, रश्मि देसाई, राखी सावंत और अर्जुन बिजलानी समेत कई टीवी कलाकार भी मौजूद रहे। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि कई आयोजनों पर भी उनका जिक्र करते थे। 40 साल के सिद्धार्थ का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन कर कई लोग वापस भी जा रहे हैं। शमशान घाट के बाहर फैंस की भीड़ जमा है, जिस पर पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है। शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। शमशान के मुख्य दरवाजे को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हो रहा है, जहां सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद हैं। कुछ कलाकारों को भीड़ की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया है। इस दौरान मुंबई में बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भीड़ में कोई कमी नहीं है। फिलहाल अंतिम क्रिया की शुरुआत हो गई है। लगातार सिद्धार्थ को अलविदा कहने लोग आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां और शहनाज गिल का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर हॉल में रखा गया है, जहां लोग उनके आखिरी दर्शन कर रहे हैं। साथ ही शांति पाठ भी किया जा रहा है। कुछ देर में ही सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम विदाई पर हमारे चैनल प्राइम सिनेमा हिंदी की पूरी टीम की ओर से शत शत नमन।